अबे मोंटी, मैं जीटूज नहीं आ सकता हूँ। बोलो, मैं ब्लीच लेके आई, ये देख। नहीं आ सकता हूँ, बच्चे घर पे अकेले हैं। मोनू जाना बेटा, मैं बच्चों को ना लोरी सुनाऊंगी। मम्मी जी, माया नहीं चाहती कि मैं घर पे बच्चों को आप के बेटे के बिना, यानी मेरे बिना मैं घर पे अकेले छोड़ के जाऊं। दादी है ना, जा तू। माया को दिया वो वादा मैं तोड़ता नहीं हूँ कभी। मोनू तू माया से डरता है ना, तभी नहीं जा रहा है ना। 8:30 हुए हैं, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आऊंगा। मम्मी जी, मैं यूं गया और यूं आया। चल चल, मेरी इंसल्ट ना कर। हाँ, तुझे याद हो तो मैंने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया। याद है मम्मी जी, इसीलिए कह रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं यहीं रुक जाता हूँ। मम्मी जी, क्या हे भगवान, ये माया से तो कुछ संभाला ही नहीं जाता। पापा जी, मम्मी जी मिल गई। देख लिया, सब इंस्पेक्टर रजनीश का कमाल। क्या कर रहा है तू? मोनू का घर है, बेल बजा के आया करो। देख भाई डॉली, हमेशा के लिए गायब हो जाना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तू थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब मत हुआ करो, मेरे को टेंशन हो जाती है। अब क्या हुआ? होना क्या है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हाथ में दही भल्ले खा लो। ये तो स्टार्टर आइटम है, इसे पेट थोड़ा भरता है। कुछ और भी बनाओ। और ये बच्चे का है, उनको थोड़ी देर हवा में उछाल के आता। नहीं नहीं नहीं, सुबह उछाल लेना, सोने दो नहीं। अच्छा सुनो, आपको ना कुछ दिखाना है। क्या? ये देखो। तेरे की मुंह में गुलाब ले रखा है। गुलाब को ऐसे पकड़ते हैं, गधा कहीं का। कुछ नहीं सीखा अपने बाप से। ये सुमित को कब मिला? ये पिछले हफ्ते उसे बेस्ट टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर का नॉमिनेशन था ना। सही है, सबका प्यारा सुमित। ओए बच्चा मेरा, कोई गहरी नींद नहीं सोए थे ये ड्रामेबाज बच्चे। घबरा, मैं बेटा के साथ आगे से हट बेटा। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरा तलाक करवाएंगे, माया मेरा घर बाहर छोड़ जाएगी और मुझे रजनीश के कमरे में सोना पड़ेगा। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? 5 बॉल बाकी है बस। पापा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? माया की पिक्चर कभी भी खत्म होगी। और आप शर्ट पहनिए ना। शर्ट तो पहनूंगा, लेकिन पहले पैंट तो पहन लूं। मोनू, मैंने तुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, ठीक से बात कर इनसे। आप लोगों की इज्जत तब करूंगा जब मेरी इज्जत बचेगी ना। अब प्लीज जाओ। चलो जी, चलो। अच्छा सुन, हाँ तू मेरे को बाद में मिलियो, तेरे को लड़कियों के बारे में बहुत कुछ सिखाना बाकी है भैया। कुछ नहीं कुछ नहीं, कल मिलते। चलो चलो जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है मम्मी जी। अबे तुम दोनों तो जंतर मंतर जाने वाले थे ना। जंतर मंतर? किस टाइप का गधा अपनी बीवी को बर्थडे के दिन जंतर मंतर लेके जाएगा? इस टाइप का। कुछ नहीं सीखा बाप से। सुमित ठीक है, मैंने झूठ बोला, मैंने सबसे झूठ बोला। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सब लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। मम्मी जी, पापा जी, भैया, माया को ना हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। बोल ना बेटा, बोल बोल। आप लोग हमारी लाइफ में बहुत दखल देते हो। माया बहुत ऐसा माया ने कभी नहीं कहा है, ये मैंने खुद नोटिस किया है। और हम भी शादीशुदा हैं, हमें भी थोड़ा सा अकेला टाइम एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। और मम्मी जी, माया वैम्प नहीं है, माया तुलबती है।
तुलवती, और इस तुलवती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मतलब हम दोनों से प्यार करते हैं, तो आप लोगों को हमें थोड़ा सा अकेला टाइम देना पड़ेगा, वरना हमें कोई दूसरा फ्लैट ढूंढना पड़ेगा शायद। ठीक है ना सुमित, आफ्टर ऑल हमारी फैमिली है। तू भी ना, अरे तुम दोनों को अकेले टाइम बिताना था तो बोल देते ना, हमने एक बार भी तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया है। देखो बेटा, समझदार को है ना इशारा काफी होता है, अबे हमें इशारा कर देता हम समझ जाते। चल बे डॉली, नीचे चल के जरा पकोड़े वोड़े तल, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। जन्मदिन मुबारक। Bum 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 b